मोहित के तो आप सब ठीक होंगे, फटफाट होंगे, जहाँ भी रहें कुछ नया बाल में हमेशा फूलों की तरह हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। मेरे चैनल को कल सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें और वीडियो पूरे वॉच किया करें ताकि मुझे भी थोड़ी सपोर्ट मिल सके। अब कहते हैं ब्लॉग का स्टार्ट, चलते हैं कौशल के पास, उसे देखते हैं वो क्या करें। तो इधर ये कौशल ये बैठी है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बच्चे भी सब ठीक हैं। तो सुबह सुबह मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद आप चाय बनाइए। चाय रेडी हो गई माशाल्लाह जी? होगी। ओके, ये तंदूर जलाया जा रहा है जी? ठीक है, आप ये चाय दें सबको। हाँ जी, और मुझे तो बहन भाई बता रहे थे कि चाय जो है ना सुबह सुबह नहीं पीनी, ये ख़राब करती है मुँह को, ये बाद में शायद दोपहर में या कभी सुबह सुबह ऐसे नहीं पीनी तो इससे ना मुँह ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और वो कोई दवाई भी बता रहे थे, वो भी लेनी है आज जी इंशाल्लाह। चले ये सबको दे चाहे, मैं उधर पोजीशन देख के आता हूँ। मम्मी शायद लस्सी बना रही है जी। कौशल जो है बाकियों को देगी और मैं इधर अम्मी की चाय ये ले। अम्मी सुबह सुबह लस्सी माशाल्लाह। खैरियत अम्मी? लगता है नाराज है किसी बात पर। सर रोटी बन गई? हाँ जी बन गई। माशाल्लाह, अकेले बनाई थी या भाभी भी आई थी साथ? नहीं, भाभी मेरे साथ थी। अच्छा, बनवा के चले गए? हाँ जी। चले बन गई, आप मक्खन लगाना है या? जी बन गई, आप एक रोटी बची है। चले मक्खन लगाए, फिर और भी काम होंगे है ना। हाँ जी हाँ जी, रोटियाँ बन गई। हाँ जी बन गई। अच्छा, ये ऐसे क्यों डाला इस पर मक्खन, थोड़ा सा लगा दिया करें, वैसे भी तो ये इस टाइम खाती है जब आप मक्खन मार रही होती हैं, है ना जी। तो ये थोड़ा सा मक्खन ना इस पर मार दिया करें, ऐसे तो ये सादा रोटी भी नहीं खाती। जैसे उस दिन बहन भाई बता रहे थे कि दूध में इसको भिगो के रोटी खिलाया करें। रेशियों की जरूरत है, अभी बकरियाँ खड़ी हैं और मुनीब नाश्ता करके फिर निकालेंगे इनको और दूसरे मवेशी। ये मछली खा रही है घास और आप पता नहीं डरती है या नहीं डरती? हाँ डरती है। चले ये तो घास खा रही है और इधर आगे ये भी सारी घास खा रही हैं। जो बचा हुआ था घास मैंने शायद सारा डाल दिया। तो मौसम की सूरत हाल भी आपको बताते चले हैं। इधर सूरज बिल्कुल तेज धूप, साफ मौसम और कोई बादल वादल नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो यकम जुलाई से सुना है कि फिर से बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है, अल्लाह खैर करे। अभी तो साफ मौसम है, देखें यकम जुलाई तक फिर बारिशें बताई जा रही हैं। तो जी माल मवेशी भी देख रही है, अभी कोई और काम करते हैं तो वो भी इंशाल्लाह। तो हमारे पहुंच चुके हैं भाड़े में, इधर कौशल जो झाड़ू लगा रही है और कौशल झाड़ू लगा ले, फिर ये उठाना है ना। हाँ जी, ये मुझे बताना जब ये झाड़ू लग जाए तो मुझे बताना, ये मैं आपको उठाकर बाहर फेंक के दूँगा इंशाल्लाह। ओके जी जी, थैंक यू। आपकी ये हेल्प करना अब मेरी जिम्मेदारी है, और मवेशियों को अलग अलग काम भी है ना, वो भी मुझे बताइएगा। अच्छा, रोटी को मक्खन मक्खन मार लिया? हाँ जी मार लिया। और सबको दे भी दिया? हाँ जी दे दी। चले जी, और आपसे एक बात करनी है, एक मिनट में बैक कैमरे पे बात करनी है। ओके अच्छा, तो कुछ सर आपसे ये बात करनी है कि
आज घर वालों को क्या हुआ है? कोई बात हुई है आपसे या कोई गलती हुई है? नहीं, मुझसे तो कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता है क्यों मुझसे। पता नहीं, आज सुबह से देखा था अम्मी का मूड भी ठीक नहीं था और कोई भी मंदा घर का अफराद कोई भी वीडियो में नहीं आ रहा। अल्लाह जाने क्या बात है, मैंने समझा शायद आपको पता होगा। मुझे नहीं पता, मुझसे तो कोई गलती नहीं। बस अभी वो सुबह थोड़ी सी वीडियो दे दी मैंने अम्मी की, जब लस्सी बना रही थी तो अभी आई आपके सामने, क्या क्या कह के गई हैं। अम्मी ने बता दिया कि हमारी फैमिली को वीडियो में नहीं लाना, आप दोनों जो करना है जाके करें। पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ बात कौन सी क्या हुई है, क्या मसला है। रातों रात वो कोई भूत वगैरह तो नहीं चिपक गए घर वालों को? कोई भी किसी भी बात की अगर जहन में हो आपके, किस बात पे गुस्सा है? नहीं, मुझे नहीं पता। पर ऐसे क्यों, क्या ऐसे कौन गुस्सा होता है? हम दोनों से भी कोई गलती नहीं हुई, आप तो जानते हैं कि हम गलती नहीं करते। तो फिर पता नहीं वो क्यों गुस्सा है। ये तो फिर उनसे पूछे, अम्मी से पूछा है मैंने अभी, मैंने कहा क्या बात है, क्या मसला है, क्यों नहीं आते वीडियो में? बस बोलते हैं हमें नहीं आना, आपको जो करना जाके करें। मुझे लगता है कोई रात उनके बीच कोई बात हुई है अबू और अम्मी के बीच, जो हमें बता नहीं रहे। मुझे नहीं पता जी, मुझे भी नहीं पता। तो चले आप काम करें, वो तो पता चल जाएगा कि वो क्यों नाराज है। आज तो कोई भी बंदा वीडियो में नहीं आया, आपको तो पता है। जिसके पास भी कैमरा लेकर जाता था वो बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं आना, आपसे दूर ले जाओ। पता नहीं क्या मसला है। तो फिर अगर वो नहीं आना चाहते तो उनकी मर्जी, आगे हमें अकेले ही काम करना पड़ेगा। पहले कोशिश करते हैं, उन्हें मनाते हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमें ही मनाना चाहिए। और पहले उनसे बात करते हैं, मनाते हैं, अगर वो मानते हैं तो, नहीं तो फिर हमको अकेले ही व्लॉग बनाने पड़ेंगे। पता नहीं कौन सी बात है, क्या मसला है, मुझे भी नहीं पता। मैं सुबह उठा तो सबका मूड ख़राब था। ठीक है, मैं काम कर लूँ घर में। जी आप काम कर लें, और फिर यह कचरा जब उठाना हो ना गंध, ये मुझे बताइएगा, मैं उठा दूँगा। और जो बाकी का वहाँ का मवेशियों वाला, वो भी मुझे बताइएगा, मैं उठा कर। ओके जी, जो भी काम हो, मुश्किल हो, मुझे बता दिया करें, मैं हेल्प कर दिया करूँगा। हाँ, मैंने झाड़ू लगा दिया है, ये सारा झाड़ू लगा दिया, ये कचरा जो है यहाँ इस ढेरी में इकट्ठा कर दिया, उस ढेरी में और तीसरी में, और पान जो है ये बाहर कचरे में डालने जा रहा है। हाँ जी, अभी है उठवाएँ। हाँ जी, तो पता है मैं अकेला वजन नहीं उठा सकता जी, मैं पैक के आता हूँ। हाँ जी, फिर ये भी उठाता हूँ, और उधर वाला अभी पड़ा हुआ है। हाँ जी, वो मवेशियों को अंदर बांधेंगे तो फिर चले, फिर ये पहले डाल लें। हाँ जी, कचरे में जी, फिर मवेशी बांधते हैं इंशाल्लाह। वो और जो है वो दूसरा, वो मवेशी वाला जो है ना गन खराब है। हाँ जी, वो भी आप झाड़ू लगाएंगे या देखते हैं? चले, वो जो गोबर वोबर है। हाँ जी, वो भी मुझे बताना, मैं फेंक दूँगा जी। ठीक हो गया जी, ये मवेशी को पानी पिलाने के लिए भरा जा रहा है। हाँ जी, चले भरे। पर वो गाय खोल के आए, और यहाँ नलका जो है ये मुझे देना, मैं खुद चलाऊँगा। ठीक हो गया, और बाकी अभी झाड़ू वगैरह तो देना होगा वहाँ। हाँ जी, ओके जी, पहले ये भर लें, फिर गाय खोल के आए, फिर नलका मुझे दें, मैं खुद चलाता हूँ, आप जाएँ गाय खोल के आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, घेड़ो घेड़ो नहीं बोलते, चलाओ। नहीं, मेरे सराइकी में तो कहते हैं कि नल का घेड़ो, चलाओ, पानी डालो, पानी भरो। उर्दू में नल का चलाना बोलते हैं जी। अभी तो खोला है, काम होगी तो फिर चलाएंगे। और मुझे परेशानी उस बात की है कि अब्बू अम्मी को अचानक क्या हुआ है।
ठीक है आप और नलका चलाओ। क्या हुआ है मियाँ पापा? नहीं मैंने आपको बताया था, मुझे नहीं पता, शायद कोई बात कोई डाउट। नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है तुम नलका चलाओ, मैं इसे बांध के आती हूँ। जी इसको बांध के आए और दूसरे भी खोल के ले आए। जी उसे भी पिलाते हैं। तो दूसरे गांव भी ले आई और इरफान दोबारा भी नलका चला रहा है और गांव ची ची भी कर रहा है। इसको गाय को छी बोलते हैं ना पानी पिलाने। हाँ जी मुझे पता है। चलें जी इसने तो। हाँ जी बस कर दी, हमने पानी वानी पिला दिया मवेशियों को और अभी बांध भी दिया है साहे पे अंदर वाड़े में और इधर जो है कस्से से झाड़ू लगा रही है। हाँ जी झाड़ू लगा ले, फिर वो भी लगाना है। हाँ जी वहाँ भी लगाना है और यहाँ भी। चले लगा ले झाड़ू फिर मुझे बताना, बल्कि मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। हाँ जी आप झाड़ू लगा ले, मैं ये कचरा ना फेंक के आऊँ उधर। ओके जी जी और वो एक बात और, वो जो गिफ्ट वगैरह है ना कल दिए थे अम्मी ने सोलर प्लेट वाले, हाँ जी वो नहीं बताने अभी कि किस चीज़ के लिए है। जी मैं नहीं बताऊँगी। ओके जी बताना भी नहीं है। जी ठीक है अभी सरप्राइज देना है बहन भाइयों को। हाँ जी तो जब वो सरप्राइज ओपन होगा हम खुद ही बता देंगे, अभी फिलहाल प्लेटे हैं ये हमारे गिफ्ट है। हाँ जी और सरप्राइज जो है वो अभी करना है। हाँ जी इंशाल्लाह आज या कल बताएंगे। लेकिन जब नहीं आज तो जुम्मा है ना। हाँ जी तो इंशाल्लाह कल बताएंगे। चले वो तो जुम्मा हफ्ता जो भी हो हमने सरप्राइज देना है चाहे जब भी। और अभी तो हो सकता है एक दो दिन और लग जाए। जी चले जी फिर आप झाड़ू लगाएं। हाँ जी और ये कचरा मैं उठाकर, अभी नाश्ता वास्ता भी नहीं किया, भूख भी लग रही है ना। भूख भी लग रही है और आपको लगी है भूख? हाँ जी मुझे भी लगी है। आज मैं और आप अकेले भी लोग बना रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें अब्बू अम्मी को मनाना चाहिए जी। आपको क्या लगता है? जी इंशाल्लाह मनाएंगे। अभी अम्मी अब्बू कहाँ गए? जी कपास में। कपास में घास निकालना है? हाँ जी। चले जो ही वो आएंगे हम उन्हें मना लेंगे। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अकेले वीडियो में कोई शो ही नहीं आ रहा, पता नहीं बहन भाई देखेंगे या माइंड करेंगे। अकेले काम करना तो मुश्किल हो गया वैसे, और घर में खुशहाली हो खुशियाँ हो वो भी बहन भाई पसंद करते हैं, और ऐसे तो हम दो अकेले, हम तो ये एक किस्म का गा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं, इससे तो वीडियो नहीं चलती, ब्लॉग अच्छा नहीं बनता ना। जब घर में रह के हों खुशियाँ हों हर इंसान खुश हो फिर रहता है माहौल है, फिर वीडियो भी कमाल की बनती है राइट। चलिए कोशिश करते हैं अगर मान जाए तो। अल्लाह जाने किस चीज़ की नाराज़गी है, उनकी आपस में है या हम दोनों से कोई शिकायत है, कोई गलती हुई है हमसे, ये भी मुकम्मल पूरा पता तो नहीं है हमें। जी आते हैं उनसे पूछते हैं फिर जो भी बात होगी वो ज़ाहिर हो जाएगी और इंशाल्लाह सरप्राइज भी जल्दी ओपन हो जाएगा। जी ओके जी झाड़ू लगाए फिर मैं वो उठा लूँ गोबर। कसरे इधर के झाड़ू लगाया जा रहा है, रोड तो इधर नहीं लगाते? नहीं रोड नहीं लगाते, इतना गंद है, जब चौका करते हैं तो ज़्यादा गंद होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यही झाड़ू आज लगा दूँ। अच्छा मैं समझा शायद, चले ये तो अच्छी बात है, सफाई पूरे घर की सफाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल मतलब इंसान भी खुश होता है, अल्लाह पाक भी खुश होता है, और ये सफाई नस्ल ईमान भी है। जितना हो सके घर की सफाई सुथरा रखें ताकि कोई बाहर से मेहमान आता है या हम ये व्लॉग बनाते हैं हमें शर्मिंदगी ना हो, पूरे घर को साफ सुथरा रखें। और आप तो माशाल्लाह बेस्ट हैं, मेरे समझाने से पहले ही आप सब कुछ समझ जाती हैं। ये मुझे घर के कामों का पता है, तो पीछे से ये मैंने सारा लगा दिया है। माशाल्लाह जी और अच्छा ये लगा ले एक मिनट। हाँ
क्या हुआ? फिर से पसीना। हाय हाय, साफ तो कर ले, इधर मैं साफ कर दूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँ। नहीं नहीं मैं कर देता हूँ। इतना प्यार? जी प्यार तो है ना, इसीलिए तो आपकी फिक्र करता हूँ और आपकी हेल्प करता हूँ। अगर प्यार नहीं होता ना, वो कोई मर्द होते हैं जो प्यार नहीं करते हैं, वो पता क्या करते हैं, औरत को मुंह भी नहीं लगाते। वो ऐसे आया और औरत ने पूछा, हाँ खाना खाना है, खाना दो, बस चुप करके खामोश होके चले गए। और कोई भी किसी भी बात का जवाब नहीं देना, और कोई भी चीज़ लेकर भी नहीं देना, और हर बात पे ये बोलना कि आप जाए यहाँ से, आप जाए अपने मेक के जाए। वो होते हैं नफरत करने वाले इंसान। मेरी आदत नहीं है, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ और इंशाल्लाह हमारा प्यार ऐसे ही रहेगा जिनकी बार। हाँ जी, आपने मेरा साथ देना है जी, मैं जिंदगी पूरी आपका साथ दूंगी। मैं हमेशा आपके दुख सुख खुशी गमी हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप कभी ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ, ये मत सोचना, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू जी, बहुत खुशी हुई आपकी ये बात सुनकर। मुझे ये तो लगा कि कोई तो अजीज सहारा है मेरे पास जी, तो मुझे भी आपकी फिक्र करनी चाहिए। और मैं भी ये बात बता दूं कि मैं भी ज़िंदगी भर आपका ही मतलब बन के रहूँगा। आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, और जो भी काम नहीं होता मुझे बेशक बता दिया। तो जी मैंने ये सारा कचरा इकट्ठा कर दिया है, ये सारा झाड़ू भी लगा दिया है, ये भी सारा झाड़ू लगा दिया है, और मशीन तक तूफान जो है यहाँ से कचरा उठा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह उठाओ जी, मैंने आपको बोला ना ये काम मेरा है। हाँ जी बोला था, और ये डेली करना है मैंने जी। चलो जी, ये तो फॉलो हो गई। हाँ जी, आप इसे ढकते हैं जी, फिर और जो बच्चा हुआ वो भी उठाते हैं, और उसके बाद करेंगे नाश्ता। कौसर अभी आ गई इधर, हमने वो साफ कंध जो है वो साफ कर दिया है, और अभी कौसर जो है कुंडल भर रही है। अभी भी नाश्ते को कितने दे रहा है जी? कुंडल भर के इंशाल्लाह खाएंगे। चले जी, ये कुंडल भरे और नाश्ता क्या भाई, रोटी फिर तो वो सालन रात वाला रखा था, वो तो मिर्ची वाला है यार, रात भी बहुत मिर्ची थी, पैर से खाए नहीं जी। और रात मैंने दूध के साथ खाया था खाना, अब भी पता नहीं खाया जाता है या नहीं। बाकी सब ठीक है, ये सुने बात, बाकी सब ठीक है, बस ये जबान जो है ना, ये बहुत छाले हैं जबान के ऊपर। यहाँ पर जब मिर्ची लगती है तो पता नहीं, चलें गुजारा करते हैं जिससे भी खाना पड़ेगा। तो आपने ये कूलर भरे, तो आज के लोग हमारा हो गया मुकम्मल। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, जो बे औलाद अल्लाह पाक उनको औलाद दे, जो गरीब है मुस्तहक है माजूर अल्लाह पाक उनकी मोहताजी दूर करे, और उनके रोज़ी में बरकत अता फरमाए, और घर में खुशहालियाँ पैदा करे। जो बहन भैया हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, और उनके ज़िंदगी में जो भी मुश्किल, जो भी परेशानियाँ, उन सब तो सब परेशानियों को दूर करें, और उनके हर ख्वाहिशात हर मुरादों को अल्लाह पाक पूरी करे। और जो बहन भाई फात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और उन्हें जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो आज के ब्लॉग हमारा क्या मुकम्मल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मिले इजाज़त। पाकिस्तान पाक फौज, प्यारे बहन भाई, अल्लाह हाफिज़।